दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से आप सब दोस्तों की दुआओं से आज का व्लॉग करने चलते हैं स्टार्ट। अभी इस वक्त पैदल फिर रहे हैं, अब्दुलरहमान ने हमें क्वार करवा दिया। इसकी बाइक में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल कितने का डलवा रहे हो? 130। 100 रुपये का? 100 रुपये का। 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया, टैंकी फुल करवा ली इन्होंने। अभी घर का सामान थोड़ा सा शिफ्ट करना है तो इसलिए रिक्शा ढूंढना पड़ेगा। रिक्शा देखते हैं अभी कोई, और सामान वगैरह लेकर चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अब्दुलरहमान भाई सलाम कर दो यार, इधर देखो, इधर। हाँ ऐसे तो चले यार, घर चलकर आपसे मिलते हैं। जी तो भाई साहब, अभी घर से आए हैं, बाइक वगैरह एकदम वहाँ पर अपनी खड़ी की है। अभी इस वक्त अब्दुलरहमान के घर पर आए हुए हैं यार, यहाँ पर उसकी बैठक में बैठे हुए हैं। उसने कोई अपनी फ़ाइल वगैरह हॉस्पिटल में जमा करवानी थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने, उसकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह की कम्प्लीट फ़ाइल बनाएंगे और फिर हॉस्पिटल में जमा करवाएंगे, फिर वापस घर की तरफ आएंगे। और जो सामान वगैरह, जो रिक्शे का मैंने आपको बताया था, अभी रिक्शा वगैरह देख रहे हैं क्योंकि रिक्शा वगैरह कोई नहीं मिल रहा था, सामान वगैरह वहाँ पे शिफ्ट करना है। ये अब्दुलरहमान का भाई छोटा, ये देखो, तो ये थोड़ा सा यार अभी वहाँ पर जाएंगे और हॉस्पिटल से फाइल जमा करवा कर वापसी, फिर इंशाल्लाह ताला सोडा वगैरह पियेंगे और फिर घर पर जाएँगे। तो अभी ये फ़ाइल वगैरह भी हम कम्प्लीट कर लें, फिर इंशाल्लाह ताला घर चल कर आपसे मिलते हैं। जी तो भाई साहब, अभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अब्दुलरहमान के उठा लिए थे, ये अब्दुलरहमान बैठा हुआ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी करवा दिए। अभी हॉस्पिटल जाएंगे, ये जमा वगैरह करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर वापसी पे सोडा वगैरह पीकर फिर घर पहुंचेंगे। भूख बहुत लग रही है, खाना वगैरह खाना है, घर पहुंचकर फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं। अभी इस वक्त अब्दुलरहमान को घर पर छोड़कर वापस आए हैं, थोड़ा सा सामान वगैरह यहाँ पर पड़ा था, जो कबाड़ वगैरह था उसको वहाँ पर रखवाया है, और ये बिरयानी मसाले के साँचे, पैकेट्स वगैरह, दही वगैरह लेकर जा रहे हैं क्योंकि घर पर बिरयानी वगैरह बन रही है जो ख़त्म वगैरह के, क्योंकि आपको पता है मुहर्रम का महीना है तो ख़त्म वगैरह अब चलते रहते हैं, तो गली मोहल्ले में ख़त्म वगैरह दिलवाने के लिए घर पे बिरयानी वगैरह बन रही है। तो अभी ये सामान वगैरह घर पे देते हैं और हमारा एक दोस्त आ रहा है, काम है उससे, थोड़ा सा उससे मिलते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे वापस आते हैं। जी तो भाई साहब, अभी इस वक्त एसी का काम रह गया था, एसी लग चुका है और इस वक्त ये छोटी सिस्टर हमारी ये चपड़ चपड़ कर रही है, चामो चल शाबाश। तो अभी यार ये एसी लग चुका है, एसी का जो मेन काम था वो ख़त्म हो चुका है, अभी देख सकते हो अभी चल रहा है। अभी इसके उसने ऊपर बैठा है, वो चेक कर रहा है गैस वगैरह डाल के इसमें, ताकि चेक कर ले कूलिंग वगैरह सही हो रही है कि नहीं हो रही। अभी इस कमरे के पर्दे वगैरह लगने हैं और नीचे वो डोर स्टॉपर आना है, जिससे एसी की हवा रुक जाएगी बाहर जाने से। अभी थोड़ी थोड़ी हवा बाहर निकल रही है तो यार अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है मुझे, क्योंकि सुबह से मैं इस कपड़ों में फिर रहा हूँ। अभी मैं नहाता हूँ, फ्रेश हो जाऊँ। किसका मैसेज आ गया? छोड़ो, ये जोंग वाले बहुत तंग करते हैं यार। अभी मैं नहाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं 5 मिनट में, सिर्फ केवल 5 मिनट। जी तो भाई साहब, अभी नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और अभी अभी यार वॉशरूम से निकल रहा था तो कॉर्नर पर कुछ लगा हुआ था, वो हाथ पर फिर गया पूरा, अंदर तक कट गया पूरा। तो अभी सिस्टम वगैरह ऑन करेंगे, अपनी वीडियो वगैरह एडिट करेंगे बैठ कर। और आज जो मेन काम था ना यार, एसी वगैरह लगवाना था, एसी लग चुका है आज, शुक्र है यार एसी लग चुका, काम मेन जो था वो ख़त्म हो चुका है। आज मैं सुबह उठा हूँ ना जब, तो अब्दुलरहमान आ गया था घर पर, अब्दुलरहमान के साथ गए हैं, उसका थोड़ा सा काम था हॉस्पिटल में, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने जमा करवाने थे जॉब के लिए, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे क्लेरिफाई करवाए हैं, सारे उसको जमा वगैरह करवाए हैं। अभी अपना बैठ कर यार यहाँ पर इसको ऑन करते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह पहले खा लें क्योंकि भूख इस वक्त बहुत ज़्यादा लग रही है भाई, बहुत ही ज़्यादा। तो खाना वगैरह खाएँगे और फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह करेंगे, क्योंकि यार वीडियो एडिटिंग करने में तकरीबन 1-1.5 घंटा लग जाएगा और अभी टाइम तकरीबन कोई 10-10:30 बज रहे हैं। तो ब्लॉग इंशाल्लाह ताला सुबह अपलोड हो ही जाएगा, जैसे कि आज आपको सुबह ब्लॉग मिल चुका था 8-8:30 बजे, तो इंशाल्लाह ताला कल का ब्लॉग मिल जाएगा। अभी यार सुबह उठ करना यहाँ आपके पर्दे वगैरह लेकर आने हैं जो यहाँ पर लगने हैं, जो मेन पर्दे हैं, तो ताकि कमरा थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हमारे कमरे के साथ ही अटैच वॉशरूम है और यहाँ पर भी एंटीक चीज़ें वगैरह लाकर रखनी है, यहाँ पर भी लाकर रखनी है ताकि थोड़ा सा शोमेंट बने, कुछ अच्छा लगे। ये देखो यार, इसमें से खून निकलने लग गया। अब इसको मैं धोता हूँ हाथ को और यहाँ पर सनी प्लस वगैरह लगाता हूँ, क्योंकि इस वक्त अभी मैं जो थका पड़ा हूँ ना, मुझे पता है सुबह से काम में लगा हुआ था और आज सब कुछ तो कर लिया था, नेट वगैरह भी चल पड़ा था, सब कुछ चल पड़ा था भाई, सब कुछ VIP हो गया था। लेकिन जब मैंने सिस्टम को ऑन किया ना, क्योंकि काफ़ी टाइम से सिस्टम ऑन नहीं किया था, एडिटिंग वगैरह मोबाइल से कर रहा था मैं अपने, तो जब मैंने सिस्टम को ऑन किया भाई, तो सिस्टम में जो विंडोज़ है उसका एक्टिवेटर एक्सपायर्ड हो चुका था। एक्टिवेटर पहले इंस्टॉल डाउनलोड किया है, उसको परचेज़ किया है
उसके बाद इंस्टॉल किया और फिर एक्टिवेटर इस पर लगाया ताकि विंडो एक्टिवेट हो जाए और टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि विंडो एक्टिवेट नहीं थी ना तो हमारा Adobe प्रीमियर प्रो नहीं चल रहा था। Adobe प्रीमियर प्रो चल पड़ा है, अब बैठ कर विंडो आएगा, अपनी वीडियो एडिट करते हैं, कह रहा हूँ विंडो एडिट करते हैं और खाना वगैरह कुछ खाते हैं और बोतल शोटल कुछ पीते हैं, दूध वगैरह या जूस वगैरह जो भी बना हुआ होगा। उसके बाद सुकून से बैठ कर वीडियो एडिटिंग करेंगे और ब्लॉग को अपलोड करेंगे। बाकी यार अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जो लोग चैनल पर नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक मस्ट है, भाई को फेसबुक पेज पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, इस तमाम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे तमाम प्यारे दोस्तों को अल्लाह हाफिज़।